मगर जानते हैं बीट में कोई प्रॉफिट नहीं है। क्या है? 5000 रुपए किलो बिया है। अब चकुंदर है जो अखनी 5 रुपए किलो कोई लेनिहार नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SS2 में एक बार फिर स्वागत है। देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हम पटना सिटी के एक गांव में आए हैं। वो गांव जो है, आप जब देखिएगा तो ये खेत ही खेत है। जहां तक आपकी नज़र जाती है वहां सिर्फ खेती खेत है। और खेती किसान लोग कर रहे हैं, बहुत तरह की खेती होती है। आलू है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, और तो और चुकंदर है, यानी तक बीट उसको कहते हैं। हमारे पीछे जब देखिएगा तो ये तमाम जगह जो उपजाऊ जो हो रही है ये सब चुकंदर है, यानी कि बीट है। वैसे भी देखा जाता है तो शादी विवाह में अक्सर जब सलाद परोसा जाता है तो वो बीट रहता है प्याज टमाटर के संग में। क्या स्थिति है इन किसानों को, क्या परेशानी है? कुंदन कुमार कुंदन जी, ये जो बीट है इसका भाव 5 रुपए किलो, अभी हम लोग पार्टी को जाकर भी कहते हैं तो नहीं लेता है। और इसका मूल्य है 5000 किलो। हम लोग बीघा किलो बिया लगता है, यानी 10000 रुपया को छीटते हैं। उसका ठीक से पट्टा भी नहीं मिल रहा है खेत वाला को, और अभी बिक भी नहीं रहा सही से। अगला फसल भी नहीं बुना रहा है इसके चक्कर में। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करेंगे कि इसका सही मूल्य और सही रेट में बिका बेचा जाए। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो गिंजन हो जाता है। यहाँ पे भी व्यापारी को कहते हैं तो कहता है कि 4 रुपये किलो देना है तो दीजिए, अन्यथा नहीं लेंगे। अगर जानते हैं बीट में कोई प्रॉफिट नहीं है। क्या है? 5000 रुपये किलो बिया है। अब चकुंदर है जो अखनी 5 रुपये किलो कोई लेनिहार नहीं है। वजह क्या हो सकता है? हाँ, वजह यही है कि भाई अब सरकार क्या करेगा नहीं करेगा तो उसको करना चाहिए सबके संशोधन, कि हाँ इसका किसान सब मर रहा है, इसको कुछ दुर्भाव मने इसको फायदा बंदी कुछ करे कि हाँ 2 पैसा किसान के मिलेगा, बचेगा होगा है। मगर ये सब है जो गलत कर रहा है, सब सरकार गलत कर रहा है। यहाँ रेट अभी कैसे है? रेट अभी एकदम 5 रुपए किलो लेनिहार नहीं है। ये तो मार्केट में जाता है तो 20 से 40 रुपए किलो मिलता है। नहीं तो यहाँ अखनी 5 रुपए किलो भी लेनिहार नहीं है कोई। अखनी उधार ये माल फ्री मिले जा रहा है तो पर भी पैसा नहीं देता है। फ्री मिले जाता है तो पर भी पैसा नहीं देता है। जो चल रहा है चल ही रहा है, सब किसान मर ही गया, मर भी रहा, अभी मर रहा है। इतना लगता है पूंजी जहाँ कर्जा फर्जा खोज खाच के लगाते हैं हम लोग, उसके अलावा भी यही हो रहा है। खेत में से बड़ा बड़ा बीट जम के एकदम कोई ग्राहक ना है, कोई ग्राहक है ये नहीं है सर। किसान मर रहा है जो मर ही रहा है, कोई बचत नहीं है। 2 रुपये 4 रुपये किलो भी कुछ भैया नहीं है। हाँ, क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि मूल दाम मिले इसको, कम से कम इसको 25-30 रुपये बिकना चाहिए। 20-30 रुपये किलो बिकेगा तब ना किसान किलो यहाँ खेत से। हाँ, 20 रुपये नहीं तो 15 रुपये किलो भी तो बिके तब ना किसान को जान बचेगा। कबरैया हो गया है, बोरा लगता है, तब बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। सरकार पर ध्यान दे तो ना, यही कहेंगे कि इसका मूल्य रेट है 10 से 15 रुपए किलो बिकना चाहिए खेत में, उसके अलावा मार्केट में जो भाव बिके। लेकिन किसान को यह दिक्कत हो रहा है कि इसके चलते अगला फसल भी नहीं बुना रहा है, और इसके चलते खेत भी नहीं बुआ जा रहा है। तो इसका जल्दी से मांग करेंगे कि इसका जल्दी से किसान भाइयों को फायदा मिले और इसका सही रेट पर बाहर जो माल बिकता है उसका सही रेट में बेचा जाए और यहाँ से माल ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो यहाँ जब देखिएगा तो ये सब जो है ये बीटी है, इसको ये बीट है। यहाँ के किसान भाइयों तो रो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 3 से 4 रुपया किलो में भी लोग खरीदार नहीं है, तो फिर शहर में जाएगा कैसे? सरकार को भी कोस रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि हम किसान भाइयों पर ध्यान दें, नहीं तो आने वाला समय में जो सलाद का जो जायका था वो बीट चुकंदर वो विलुप्त होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो चुकंदर की खेती करने वाले किसान भाई हैं इसकी खेती करना ही बंद कर देंगे।
तो शहर में जाएगा तो कैसे जाए। हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि इन किसान भाइयों को भी अपना हक दिलाएं और इसका यहाँ से 15 से 20 रुपया के लोग खरीदें ताकि वो मार्केट में जाए। अब 3 से 4 रुपया की यहाँ से खरीद कर जाएंगे तो फिर मार्केट का क्या हाल होगा। इन किसान भाइयों को कह रहे हैं कि 5,000 रुपया किलो पर भी बीज मिलता है और यहाँ 3 रुपया किलो बीज पर भी खरीदार करने वाला कोई नहीं है। सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे कि इन किसान भाइयों पर भी ध्यान दें ताकि ये अपने अंदर से मजबूती हो। SSI2 आप देखते रहिए, ऐसे ही जन समस्या के बीच हम आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद।